डियर स्टूडेंट्स, तो कल हमने रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर पढ़ा था। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में हमने गेनिंग रेशियो पढ़ा था। तो मैंने कहा कि गेनिंग रेशियो को डिस्ट्रीब्यूट करने में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हमें तीन केस हो सकता है। पहला केस मैंने समझाया था कि अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा हो कि ऑल रेशियो में अगर डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो मैंने कल समझाया था फर्स्ट केस में कि किस तरह हमें सॉल्व करना है। आज मैं सेकंड केस वाला समझाऊंगा। अगर क्वेश्चन में दिया होगा कि जो पार्टनर रिमेनिंग पार्टनर जो रिटायरिंग पार्टनर नहीं जो रिमेनिंग पार्टनर्स को स्पेसिफिक रेशियो में अगर वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वो किस तरह हम सॉल्व करेंगे, तो मैं एक एग्जांपल के ज़रिए से आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा। तो मान लो हमारे पास पार्टनर्स तीन पार्टनर्स मान लो पी क्यू आर, तो उनका क्वेश्चन में दिया होगा ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मान लो ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1/10 हो, मान लो ये क्यों का होगा 3/10 और आर का होगा मान लो 6/10। अब यहां क्यों मान लो रिटायरमेंट बिजनेस से निकाल रहा है और क्यों का जो रेशियो है वो पी एंड आर गेन कर रहा है, वो गिवन होगा अगर मान लो क्वेश्चन में 2:1, तो हम सबसे पहले यहां निकालेंगे गेन। तो पी को कितना पहले हम देखेंगे 3/10 का शेयर क्यों को पी को कितना मिलता है, तो देखेंगे यहां लिखेंगे क्यों का शेयर कितना है 3/10, पी का कितना है फर्स्ट वाला पी का है 2/3, तो वो किसके बराबर हो गया अगर हम इस तरह लिखेंगे 2/10। इसी तरह आर का भी हम लिख सकते हैं, आर को 3/10 में से कितना मिलेगा 1/3। यहां आप देखिए आर को मिलेंगे 3/10 इंटू 1/3, वो किसके बराबर हो गया 1/10। तो आप देखिए यहां आसान है बिल्कुल, 3/10 को इस हिसाब से हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। 3/10 तो क्यों का टोटल शेयर है, उसमें से पी को कितना मिलेंगे 2/3, 3 है टोटल, 2+1 कितना हो गया 3, तो इंटू करेंगे तो वहां से आएंगे 2/10। तो इसी तरह आर का हम देखेंगे 1/3, तो 3/10 फिर लिखेंगे, अब देखिए 3/10 यहां भी है यहां भी है इंटू 1/3, तो यहां 3 और 3 कट होगा कितना होगा 1/10। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम यहां आराम से निकाल सकते हैं, आप देखिए यहां तो न्यू कितना होगा पी को गेन हुआ है, तो पहले पी का पुराना वाला रेशियो लिखेंगे 1/10 प्लस गेन कितना हो गया 2/10, तो वो बराबर हो गया 3/10। क्यों तो रिटायर हो रहा बिजनेस से, तो क्यों को कुछ नहीं होगा। आर का कितना होगा, पहले कितना था 6/10 प्लस अभी कितना गेन हो गया 1/10, तो ये हो गया 7/10। अब यहां देखिए आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो सिंपल हो गया 3:7। अब हम गेनिंग रेशियो भी निकाल सकते हैं, गेनिंग रेशियो ऑफ पी एंड आर, तो यहां सिंपल आप देखिए 2/10:1/10, वो किसके बराबर हो गया 10, अगर 10 कैंसिल करेंगे तो ये 2:1। तो आप देखिए क्वेश्चन में जो दिया है कि जिस तरह से हमें क्यों का रेशियो डिस्ट्रीब्यूट करना है वही गेनिंग रेशियो आ गया, तो हमें आसान हो जाता है जब क्वेश्चन में दिया होगा कि क्यों का जो शेयरिंग है पी और आर में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो वो वही 2:1 गेनिंग रेशियो होगा। तो मैं और एक एग्जांपल देकर ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए, मैं एक सिंपल सा और एक एग्जांपल लेता हूं। अगर पार्टनर्स मान लो तीन हो, राम श्याम रहीम, अब ये तीन पार्टनर्स हो, उनका शेयरिंग रेशियो जो ओल्ड शेयरिंग रेशियो होता है वो अगर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मान लो राम का 2/5 हो, श्याम का अगर 1/10 हो, इसी तरह रहीम का 1/5
5 मान लो, 1/2 सिंपल करेंगे, 1/2। तो अगर मान लो रहीम बिजनेस से रिटायरमेंट लेंगे, तो रहीम का जो शेयरिंग रेशियो है वो 4:1 में, 4:1 में डिस्ट्रीब्यूट होगा राम और श्याम में। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ थोड़ा सा आप देखिए डिनोमिनेटर अलग है, यहाँ 2/5 है, यहाँ 1/10 है, यहाँ 1/2। तो जब भी हमें रेशियो निकालना हो तो डिनोमिनेटर को सेम बनाना है। तो आप देखिए इन 5, 10, 2, 5, 10, 2, अगर हम इनका एलसीएम निकालेंगे तो ये 2 के साथ होगा, 2 5 10 2 1 2, 5 1 5 5 1 5, इस तरह। तो 2 5 इक्वल टू कितना हो गया, 10। तो हमारा डिनोमिनेटर तीनों का हम 10 बना सकते हैं। तो ये किस तरह बनाएंगे, 5 2 10, यहाँ भी 2 लिखेंगे, ये किसके बराबर हो गया, 4/10। तो ये ऑलरेडी 10 है, 1/10 है। तो यहाँ किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 के साथ, ऊपर भी 5, तो ये हो गया 5/10। तो अब आ गया, हमें इन तीनों का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग 4:1:5 लिख सकते हैं हम, 4:1:5। अब रहीम रिटायरमेंट लिया है, तो रहीम का पुराना ओल्ड प्रॉफिट शेयर रेशियो कितना है, 5/10। तो 5/10 हम यहाँ लिखेंगे, अगर हम गेन यहाँ लिखेंगे तो राम को कितना मिलेगा, 5/10 में से आप यहाँ देखिए, यहाँ कितना है, 4, टोटल कितना है, 4+1 5, 4/5। तो वो किसके बराबर हो गया, अगर हम 5 कट करेंगे तो वो 4/10। इसी तरह शाम को भी, शाम को कितना दिया है, रहीम का कितना पार्ट मिलेगा, 1/5। तो पहले हम लिखेंगे रहीम का 5/10 में से शाम को कितना मिलेगा, 1/5। तो ये किसके बराबर हो गया, 1/10, ये गेन हो गया। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो आसान है, इसमें क्या करना है, ओल्ड प्लस गेन। ओल्ड कितना है, 4/10, कितना है, 4/10, 4/10 प्लस 4/10 कितना हो गया, राम का हो गया 8/10। इसी तरह आप देखिए शाम का, शाम का पुराना 1/10 है, गेन हो गया 1/10, 1/10 प्लस 1/10 कितना हो गया, 2/10। तो आप इसको कट भी कर सकते हैं, 2 4 8 2 5 10, यहाँ भी कट कर सकते हैं, 2 1 2 2 5 10। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग कितना हो गया, 4:1। और अब यहाँ देखिए गेनिंग रेशियो, आप देखिए गेनिंग रेशियो, आप देखिए 4/10 1/10 अगर हम निकालेंगे तो गेनिंग रेशियो ऑफ राम एंड श्याम 4/10:1/10, अगर 10 कट करेंगे वो किसके बराबर आ गया, 4:1। जो स्पेसिफिक रेशियो दिया है जिसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है राम और श्याम, वही रेशियो गेनिंग रेशियो होता है। तो क्वेश्चन में आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, जो क्वेश्चन में दिया है वही गेनिंग रेशियो होगा। यहाँ आप देखिए 4:1, यहाँ भी गेनिंग रेशियो क्या है, 4:1। तो डियर स्टूडेंट्स, अब मैं थर्ड केस वाला ले लूँगा। थर्ड केस में अगर ये होगा कि जितना भी रिटायरमेंट पार्टनर का शेयर है वो अगर एक को पूरा दे दें, तो उसमें क्या क्या केस होता है, वो मैं आपको एग्जाम्पल के तरह से एग्जाम्पल देकर आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा। फिर मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, मान लो उसमें थर्ड केस में क्या होगा, ऑल शेयर एक्वायर्ड बाय वन पार्टनर। अगर एक पार्टनर सारा बेनिफिट जो रिटायरिंग पार्टनर का वो ले ले, तो उसमें क्या होता है वो देखेंगे। मान लो फिर मैं यहाँ लिखता हूँ पार्टनर्स, मान लो LMN, तो उनका ओल्ड शेयरिंग रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मान लो 1/6, 2/6, 3/6 मान लो, 1:2:3 होगा। तो मान लो M रिटायर्ड,
एम रिटायर्ड हो रहा और एम का जो सारा शेयर है वो अगर एन को देगा तो उस सूरत में क्या होगा वो ही मैं समझाता हूँ। वो बिल्कुल आसान है। तो यहाँ हम लिखेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो देखिए आप, एम रिटायर्ड हो गया, एम का तो नहीं आएगा, तो अगर एम का सारा शेयर एन को देंगे, एम का जितना भी शेयर है अगर हम एन को देंगे तो उस सूरत में क्या होता है आप देखिए। पहले हम लिखेंगे एल का तो वही रहेगा 1/6। अब एन का क्या होगा आप देखिए, एन का पहले कितना था 3/6 प्लस अब कितना हो गया 2/6, वो किसके बराबर हो गया 5/6, 5/6 के बराबर हो गया। तो यहां से हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया 1/6:5/6। अब इसमें गेनिंग रेशियो तो एल को तो कुछ नहीं हो गया, वही रहा, सारा किसने लिया, एन ने लिया। तो गेनिंग रेशियो किसको होगा, पूरा एन को होगा। जो जब हम गुडविल निकालेंगे तो जितना भी गेनिंग रेशियो होगा उसका अगर एम को देना होगा वो कौन देंगे, एन देंगे। तो मैं और एक एग्जांपल देकर आपको, अभी वाला जो ऑल शेयर्स एक्यूर्ड बाय वन पार्टनर, अगर रिटायरिंग पार्टनर का जितना भी शेयर है अगर एक पार्टनर को सारा देंगे तो उस सूरत में क्या होता है वही मैं समझा रहा था। तो मैं और एक एग्जांपल देकर आपको, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए, मैं एक एग्जांपल फिर दिखाऊंगा। मान लो एक पार्टनर्स, यहाँ हम लिखेंगे पार्टनर्स, यहाँ ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यहाँ क्या आएगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यहाँ गेन। तो मान लो पार्टनर, यहाँ मैं देता हूँ राम, रहीम और मान लो सलीम, ये तीनों तीन पार्टनर थे। तो इनका ओल्ड रेशियो था 1:4:2 मान लो। तो इसमें मान लो राम ने बिजनेस से रिटायरमेंट लिया, तो राम का जितना भी शेयर है वो सलीम ने ले लिया। राम का जितना भी शेयर बनता है वो किसने एक्योर किया, सलीम ने। तो न्यू में क्या होगा आप देखें, तो ये किसके बराबर है, ये 1/7, टोटल हमारा कितना पार्ट है 7, 4, 5, 6, 7, ये किसके बराबर है 4/7, ये मान लो 2/7। अब राम ने बिजनेस छोड़ दिया, राम का रेशियो कितना है 1/7, तो वो किसने लिया, सलीम ने। तो रहीम का वही रहेगा, रहीम का न्यू प्रॉफिट शेयर रहीम का वही रहेंगे 4/7। अब राम ने बिजनेस छोड़ा है तो उसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग में हिस्सा नहीं होगा। तो सलीम का कितना था पहले 2/7, तो प्लस 1/7, 2/7 पहले था प्लस अभी जो राम का सारा शेयर इसको मिला तो वो किसके बराबर हो गया 3/7। तो न्यू प्रॉफिट रेशियो किसके बराबर हो गया 4:3, यानी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन राम एंड सलीम, राम और सलीम के बीच में वो किसके बराबर हो गया 4/4:3। तो इस तरह आपको सॉल्व करना है। तो लास्ट में मैं आपको चेक करने का एक मेथड बताऊंगा कि न्यू रेशियो को हम किस तरह चेक करते हैं और गेनिंग रेशियो को किस तरह से हम चेक करते हैं। तो मैं फिर वही एग्जांपल एक आपको देता हूं। मान लो यहाँ पार्टनर्स है ABC और ये इनका है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये इनका है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये है गेनिंग, कितना वो गेन कर रहा है। तो मान लो पार्टनर तीन थे ABC, इनका मान लो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1/7, 2/7, 4/7 मान लो। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, मान लो अब अगर बी रिटायरमेंट ले लेंगे तो जो बी का शेयर है
तो वन अगर सेम जो ओल्ड इशू में अगर ये ए और सी मेंटेन रखेंगे तो वो किस तरह होगा? पहले हम क्या लिखेंगे, ये यहाँ लिखेंगे 1:4 हो जाएंगे। अगर बी रिटर्न में लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1:4। अगर पहला वाला केस में समझा रहा हूँ तो वो किसके बराबर होगा, बी को तो कुछ शेयर नहीं मिलेंगे तो यहाँ कितना होगा 1/5, यहाँ 4/5। तो गेनिंग, गेन के लिए क्या करना है, मैंने पहले ही समझाया था कि न्यू वाला हमेशा ज़्यादा होता है, ओल्ड कम होता है। तो न्यू में से हम क्या निकालेंगे, ओल्ड, तो वो किसके बराबर हो गया, 7-5 यानी 2/35। इसी तरह हम यहाँ भी निकाल सकते हैं, न्यू कितना है 4/5-4/7, ये 35 हो गया, 7/4 = 28, ये हो गया 8/35। यहाँ देखिए 7, तो अब देखिए यहाँ, तो अब हमें चेक करना होगा। तो मान लो चेकिंग के लिए मैं बोल रहा हूँ, चेकिंग के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ। अब अगर हमें न्यू रेशियो चेक करना है तो क्या करना है, सम ऑफ सम टोटल ऑफ न्यूमरेटर मस्ट बी इक्वल टू डिनोमिनेटर। जो न्यूमरेटर है इसमें न्यू देखिए 4+1 कितना हो गया 5, तो यहाँ भी क्या है 5, इसका मतलब हमारा ये क्वेश्चन ठीक हो गया। अब हम गेनिंग रेशियो का चेक करना हो तो हमें क्या करना है, सम टोटल ऑफ गेनिंग रेशियो मस्ट बी इक्वल टू सेक्रीफाइस मेड बाय अदर पार्टनर्स। अब यहाँ देखो, आपने बी ने रिटायरमेंट लिया है तो बी ने जो अपना शेयर था वो क्या किया है, सेक्रीफाइस किया है, 2/7 यानी बिजनेस छोड़ा है तो ये अपना सेक्रीफाइस किया है। तो हम क्या कर सकते हैं, सम टोटल ऑफ गेनिंग रेशियो मस्ट बी इक्वल, अब गेनिंग रेशियो जो हम यहाँ पर दिखाएंगे वो इसके बराबर होना चाहिए। तो यहाँ 2/35 प्लस सी का कितना है 8/35 गेनिंग रेशियो, उनको हम क्या करना है, सम करना है, चेकिंग के लिए मैं बोल रहा हूँ। तो वो किसके बराबर हो गया, 2+8 कितना हो गया 10/35। तो अगर हम 5 के साथ कट करेंगे, 5 2 10, 5 7 35, ये किसके बराबर हो गया 2/7। तो अब देखिए सम ऑफ गेनिंग रेशियो, सम ऑफ गेनिंग जी आर लिखेंगे मैं शॉर्ट में, तो ये 2/35 ए का गेनिंग रेशियो था और सी का गेनिंग रेशियो 8/35। तो हमने यहां से 8 किया तो 10/35, फिर हमने सिंपलीफाई किया तो किसके बराबर है 2/7। यहां आप देखेंगे बी ने कितना सेक्रीफाइस किया, -2/7 यानी सेम आ रहा है, तो ये हमारा क्वेश्चन ठीक है। तो हमने मैंने दो मेथड समझाया, पहले हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करने के लिए सिंपल है, जो न्यूमरेटर है उसको ऐड करना, अगर चार पार्टनर हो तो चारों का न्यूमरेटर ऐड कर लीजिए, अगर वो बराबर डिनोमिनेटर के साथ आया तो हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ठीक हो गया। दूसरा गेनिंग रेशियो ऐड करने के लिए हमें क्या करना है, जितना पार्टनर ने गेन किया है उनको ऐड करना है, जो ऐड करने के बाद वो जो जिसने सेक्रीफाइस किया वो बराबर आ रहा है तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन ठीक हो गया। तो ये आपको याद रखना है ताकि आपको एग्जाम में आसानी हो। तो मैं एक बार फिर आपको रिवीजन कराऊंगा कि कल हमने क्या पढ़ा और आज क्या पढ़ाया। तो कल हमने पहला हमने पढ़ाया था कि रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का मीनिंग पढ़ाया था, तो दूसरा हमने डिफरेंस बिटवीन सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, और मैंने उनका थोड़ा बहुत फार्मूला भी बताया था कि गेनिंग रेशियो किस तरह निकालते हैं और सेक्रीफाइसिंग रेशियो किस तरह निकालते हैं। गेनिंग रेशियो तो सिंपल है कि हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग ज़्यादा होता है, इसीलिए गेनिंग रेशियो में क्या आएंगे, पहले न्यू प्रॉफिट रेशियो माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का रिसिप्रोकल होगा यानी अपोजिट होगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में पहले होगा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग। फिर मैंने कुछ आपको एडजस्टमेंट बताए थे कि क्या क्या हमें एडजस्टमेंट करना है रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर में। तो आप ये याद रखिए कि एडमिशन ऑफ पार्टनर अगर आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए तो ज़्यादातर जो हमें एडजस्टमेंट है, मान लो गुडविल हो, रिवोल्यूशन अकाउंट हो या रिजर्व हो, तो जितना भी है वो ऑलरेडी हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर में पढ़ा था,
वहाँ अगर आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे तो यहाँ आपको करने में बहुत आसानी होगा। तो आज मैंने गेनी रेशो इसलिए ज़्यादा पढ़ाया क्योंकि आपने पहले गेनी रेशो नहीं पढ़ाया था। बाकी जो नेक्स्ट आएंगे, गुडविल आएंगे या रिवोल्यूशन अकाउंट आएंगे, इसी तरह ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स आएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आएंगे, तो वो उसके लिए मैं आपको 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिकली यहाँ सॉल्व करूँगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो मैं आपको यहाँ एक बार बोर्ड पर फिर समझाता हूँ कि एडमिशन ऑफ पार्टनर में आप क्या पढ़ा था और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में दोनों में कितने सिमिलरिटीज़ हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए और पढ़ने में भी आसान हो। एडमिशन ऑफ पार्टनर को आपको बहुत अच्छी तरह से करना है। अगर वो चैप्टर आपको समझ आ गया तो यहाँ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर आपको आसानी से समझ आ जाएंगे। तो पहले मैं आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर में आपने क्या क्या पढ़ा था, सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशो। दूसरा वहां आपने पढ़ा था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ये आपने पढ़ा था। थर्ड आपने पढ़ा था रिवोल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। तीसरा आपने पढ़ा था रीवैल्यूएशन, यानी आपने रीवैल्यूएशन अकाउंट पढ़ा था, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ क्या पढ़ा था, लायबिलिटीज। ये आप रीवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू समझ आया होगा। फिर आपने पढ़ा होगा फोर्थ में आपने पढ़ा होगा ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व, वो भी यहाँ सेम है। फिर आपने फिफ्थ में आप पढ़ा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और क्या पढ़ा होगा, न्यू बैलेंस शीट भी पढ़ा होगा कि किस तरह हम न्यू बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। तो आप देखिए कितना सेम है, कितना इन दोनों में रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर और एडमिशन ऑफ पार्टनर में मिलता है। यहाँ आपको सिर्फ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल भी सेम है, रिवोल्यूशन ऑफ एसेट भी इसी तरह करना है, रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना है, रिजर्व भी ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और न्यू बैलेंस शीट। अब सिर्फ इसमें क्या फर्क है, वहाँ न्यू एडमिशन ऑफ पार्टनर में नया पार्टनर आता है तो जो पुराना पार्टनर होता है उनका शेयर कम हो जाता है, इसीलिए वहाँ क्या आता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब यहाँ सिंपल हमें यहाँ क्या करना है, सेक्रीफाइसिंग के बदले हमें क्या निकालना है, गेनिंग रेशियो। तो देखिए आप ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, रिवोल्यूशन ऑफ अकाउंट, ये सब आसान है, बिल्कुल सिमिलर है जिस तरह आप एडमिशन ऑफ पार्टनर में पढ़ते थे। तो इसीलिए मैंने गेनिंग रेशियो आपको ज़्यादा समझाया, ये आपके लिए नया था। तो बाकी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, रिवोल्यूशन ऑफ अकाउंट, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व, ये मैं कुछ क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा जो पिछले साल एग्जाम में भी आया होगा या हमारे एनसीईआरटी बुक में होगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो कल से हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल से शुरू करेंगे। थैंक यू।